चलो ये तो हो गया। डैड क्या ये छोटा कैमरा है? बेटा इससे हम इंटरनेट कॉल कर सकते हैं और बात करते समय एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं। यार चेहरा देखने के लिए मैं तो शीशा यूज करता हूँ। मैंने तुम्हारे डैड और अपने डैड दोनों के घरों पर ये कैमरा भिजवा दिए हैं, उन्हें जरूर पसंद आए होंगे। और क्या वो भी कॉल कर रहे हैं? शिनचन ये तो कुमामोटो के नाना जी हैं। अरे आप जरा जोर से बोलिए ना। ये जरा जोर से बोलिए, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, आराम से बात कीजिए। नाना जी बताइए क्या आपको मेरा चेहरा दिख रहा है? हाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हैरी कि अपने काम के साथ साथ थोड़ा शिनचन का भी ध्यान रखा करो। माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। ये तो हर बात को सीरियसली ले लेते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि आप सब बाहर ठीक ठाक तो है ना? जी हाँ हम सब बिल्कुल ठीक है। मॉम आपको तो काफी रिंकल्स हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए देखिए ये है मेरा एक मास्टरपीस, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है नाना जी। सुनिए मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम बस शुरू होने ही वाला है। क्या ऐसी बात है? ओके तो हम कॉल बंद करते हैं। बाय बाय बाद में मिलेंगे। शुरुआत में तो तुम्हें ये सब पसंद नहीं था पर अब तुम्हें ये अच्छा लगने लगा है। वैसे तो मुझे फोन्स और कंप्यूटर्स में से कुछ भी पसंद नहीं है लेकिन हाँ ये उतना बुरा नहीं है। सुनिए डैड क्या हम फिर से कॉल कर सकते हैं? हाँ बाद में। कौन सी बुक है ये बेटा? ये बुक रोज उसके पास होती है। अरे वाह किसने हमें कॉल किया, देखो तो कौन है। ये तो मेरे डैड के घर से कॉल आ रही है। शिनचन अब तमीज से पेश आना। शिनचन बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। हे दादाजी तमीज से पेश आओ। अरे मिर्ची तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो, क्या बात है डाइटिंग पर हो क्या? ओ नहीं डाइटिंग नहीं, बस कुछ दिन पहले मैंने स्किन क्रीम बदली थी, बस ये उसी का असर है इसलिए इतनी सुंदर दिखती हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम? लगता है आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। हाँ मैंने ये कैमरा नया मंगाया था। शिनचन अपनी बकबक बंद करो। हिमावरी चलो हेलो बोलो। हिमावरी अब हम अपने परिवार के बच्चों का चेहरा वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, कितना अच्छा वक्त आ गया है ना? हाँ सही कहा। देखिए देखिए दादाजी ये मेरा मास्टरपीस है, ये मैंने खुद बनाया है, अगर आप इधर होते तो मुझे कुछ न कुछ इनाम जरूर देते। अगले दिन रात को मैं घर आ गया। स्वागत है डैड। हाय हैरी। अरे आपने आज फिर से फोन किया है, लगता है आपके पास बहुत वक्त है। दादाजी के साथ नाना जी का भी फोन है। माफ करना मैं जरा फ्री था। डैड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? याद है जब मैं पिछली बार आया था? तुम तो फिर से वही बातें करने लगे। आप इन दोनों को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या हो गया? शिनचन को लेकर ये दोनों कब से लड़ाई कर रहे हैं? समझ नहीं आता कि तुम्हारा ये अजीब सा बर्ताव कभी बदलेगा भी या नहीं। क्या कहा? मैं हमेशा सोने से पहले नहाने जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्योंकि तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है ना। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? अरे डैड आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं, मत कीजिए ना ये सब। सुनो किनी सुके, लगता है कि तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आने वाले हो। ये तो गलत बात है। आप सब इतनी नासमझ कैसे हो सकती हैं? अगले दिन कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे भी माफ करना। अच्छी बात है। आजकल मॉम शक्करकंदी बहुत खाती हैं दादाजी और नाना जी, पता है मुझे भी शक्करकंदी खानी पड़ती है। वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं हिमावारी को ये किताब पढ़कर सुनाऊंगा। अरे ये देखो। अरे क्या अजीब इत्तेफाक है। पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगा। मैं पढ़ूंगा। बहुत समय पहले तुम नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा। देखो एक महल में एक राजा था एक रानी थी, दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे। कहानी खत्म हो गई। तुम जानते भी हो कि आखिर कहानी होती क्या है? मैं कहता हूँ कहानी सुनाना तुम्हें नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें नहीं आता। शांत हो जाइए आप दोनों प्लीज, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह पेश आते हो। नहीं तुम बच्चों की तरह काम करते हो। आप लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? हम चाहते थे कि आप दोनों बच्चों को देखें पर आपकी हरकतों से अब हम इंटरनेट कॉल नहीं करेंगे। अरे नहीं। सब उन्हीं की गलती है। कुछ दिन बाद देखो गलती हमारी ही थी, मैंने गिनी सूखे से अच्छी तरह से बात कर ली है, अब तुम इंटरनेट कनेक्ट कर सकती हो। लगता है अपनी हरकतों से वो शर्मिंदा है। हिमावारी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। शिनचैन तुम कैसे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लगता है अब ये लोग पपेट शो कर रहे हैं। मिर्ची देखो तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे वाह ये पपेट शो तो मजेदार था। शैतान बोला क्या? बहादुर राजा ने अपने राज्य से बुरे लोगों को भगा दिया। बहुत बढ़िया डैड मजा आ गया। सच में आप दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा बताइए नाना जी और दादाजी अब हम कब बात करने वाले हैं?
हमारी मशीन शैम बिल्कुल मेरे डैड जैसा है। मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं नाचता। आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। हम शिनचैन और हिमा वाली से मिलना चाहते हैं। हरी मिसी, हम कल आ रहे हैं, तैयारी कर लेना ठीक है। मगर कल तो मैं जाऊंगा। योशी जी देख लेना, मैं कल तुमसे पहले शिनचैन के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप सुनिए तो, ये हमेशा ऐसा ही करता है। मैं कल वहाँ पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम वहाँ कल नहीं जा सकते। अब तो जाऊंगा ही। सुनिए, अगर आप दोनों आ गए तो परेशानी हमें होगी। ये तो कहना पड़ेगा कि एक बार इनकी बातें शुरू होती है।